विदिशा के गुलाबगंज में आए दिन हो रही चोरी की घटनाओं, व्यापारी एवं वरिष्ठ नागरिकों ने रैली निकालकर थाने में थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रात्रि में गुलाबगंज के मुख्य बाजार में जलज कुरीले की दुकान में 1.5 लाख से अधिक की चोरी की घटना हुई। दुकान के सामान के साथ साथ दुकान में लगे हुए कैमरे भी ले गए। इससे पूर्व भी बड़ी बैंक चौराहे पर चोरी की घटना हो चुकी है। गुलाबगंज नगर में आए दिन चोरी होने से दुकानदारों एवं व्यापारियों में डर का माहौल है, जिसमें दुखी होकर सभी व्यापारी एवं वरिष्ठ नागरिकों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर चोरों को पकड़ने एवं चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की। वही थाना प्रभारी द्वारा जांच की जा रही है। वह थाना प्रभारी द्वारा कैंगा एक्सपर्ट टीम को बुलाया गया जो जांच कर रही है। हाँ, अभी चोरी सूचना प्राप्त हुई, इसकी जाँच चल रही है, विशेष टीम बुलाई है, कहीं करने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। स्टील कैन गैंग है और मेरी टीवी सीसी कैमरा चला गया चोरी, और इसके बाद मेरी बड़ी सिगरेट वगैरह पान मसाले का सामान गया, महंगा महंगा सामान गया, बाकी सब रखा है। कैमरा वगैरह वो अलग करके अपनी दुकान की 70-80 हज़ार रुपये की चोरी। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।